गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का नैतिक शिक्षा का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ईमानदारी एक महान गुण। इस पाठ में बताया गया है कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी नष्ट नहीं होता। एक समय की बात है, एक राज्य के अंतर्गत एक गांव में, एक छोटे से गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जो बहुत ही ईमानदार था। वह जरूरतमंदों की मदद करता था, कोई मुसीबत में है तो उसकी सहायता करता था। वह धनी तो था, बुद्धिमान भी था, लेकिन उसमें जरा सी भी घमंड नहीं थी। वह ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता था। उसके 3 पुत्र थे जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, मतलब पुत्रों को उनके पिता की आदत अच्छी नहीं लगती थी। एक बार उस गांव में बहुत अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। उस समय उस धनी व्यक्ति ने अपने धन से जो कमाया हुआ अनाज था वह लोगों को कम कीमत पर बेचने लगी। और जिसके पास पैसा नहीं था अनाज खरीदने के लिए, जिसके पास पैसा नहीं होता था, तो वह धनी व्यक्ति उन गरीबों को मुफ्त में अनाज देते थे। यह सब उनके बेटों को अच्छा नहीं लगता था। उनके बेटों ने कहा कि हम तो इस अकाल में, इस समय की स्थिति में अगर हम अनाज को दुगना और तिगना मूल्य में बेचे तो हमें अधिक मुनाफा होगा। तब वह धनी व्यक्ति समझ गया कि मेरे बेटों को ईमानदारी पसंद नहीं, या ईमानदारी से कमाया हुआ धन का महत्व से पता नहीं है। तो उन्होंने अपने बेटे को समझाने के लिए एक उपाय सोचा। ईमानदार जो व्यक्ति था, जो धनी व्यक्ति था, उन्होंने अपने सारे धन, जितने सोने थे, सोने चांदी धन दौलत, वो सबको लेकर सुनार के पास गया और उनसे सोने की ईंट बनवाई। वह ईंट लेकर अपने बच्चों और गांव के कुछ लोगों को लेकर समुद्र के पास गया और समुद्र में फेंक दिया। उनके बेटों को बहुत आश्चर्य हुआ, चकित रह गए, और गांव वालों ने ये कैसा हो गए, ये पागल तो नहीं हो गए हैं, ऐसा सोचने लगे। कुछ दिन के बाद उस समुद्र में जो मल्हार, जो जिसे मछुआरा कहते हैं, मछली पकड़ते हैं, वहां बहुत सारी मछली पकड़ा, और उस धनी व्यक्ति को मछली भी बहुत पसंद थी। उस मछलियों में से एक मछली अनोखी थी, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। तो यह जो मछुआरा था, कभी किसी समय में उस धनी व्यक्ति ने उस मछुआरे की मदद की थी, तो उस मछुआरे को लगा कि यह अनोखी मछली क्यों न मैं उस ईमानदार व्यक्ति को, उस धनी व्यक्ति को भेंट कर दूं। यह सोचकर वह ईमानदार जो धनी व्यक्ति था उसके घर आया और वह मछली को दिखाने लगा। तब वह धनी व्यक्ति अपने 3 बेटों को अपने पड़ोसियों को लाते हैं और उसके सामने उस मछुआरे को कहते हैं कि यह मछली काटो। और जब मछली काटते हैं तो उसके पेट से वही सोने की ईंट बाहर निकलती है। यह देखकर सभी को आश्चर्य हो जाता है। तब वह धनी व्यक्ति कहता है कि यह देखो, यह वही सोने की ईंट है जिसे मैंने समुद्र में फेंक दिया था। कहने का मतलब है, मैंने ईमानदारी से जो धन कमाया था वह पुनः मुझे प्राप्त हो गया, यह नष्ट नहीं हुआ। तब उसके बेटी को समझ में आती है कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी नष्ट नहीं होता। तो बेटा, ये आपका दूसरा पाठ है जो पूर्ण होता है। इस पाठ का जो बेक एक्सरसाइज है वह PDF के द्वारा आपको दिया जाएगा, और इसका जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर, आपको इसी बुक में मिल जाएगा। अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।